कानपुर शूटआउट मामले में चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी केके शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे कांड में इन दोनों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी। खासकर विनय तिवारी की भूमिका पर तो बहुत ज्यादा शक किया जा रहा था। विनय तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने ही विकास दुबे को खबर दी थी कि पुलिस उनके घर पर छापा मारने वाली है। मुठभेड़ के समय पुलिस टीम की जान खतरे में डालने, मौके से फरार होने और विकास दुबे से संबंध होने के आधार पर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों एनकाउंटर के वक्त मौजूद थे, लेकिन बीच में ही उस जगह को छोड़कर चले गए थे। इस मामले में एसओ विनय तिवारी, दारोगा कुंवर पाल व केके शर्मा, सिपाही राजीव चौधरी पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, एसएसपी ने पूरे थाने के बाकी 68 स्टाफ को भी लाइन हाजिर कर दिया है। सभी के खिलाफ जांच जारी है। अब चौबेपुर थाने में 55 नए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। विनय तिवारी एक साल पहले चंदौली से कानपुर आया था और यहां पर स्वाट टीम में था, जिसके बाद इसे पहला चार्ज चौबेपुर का मिला था। विनय तिवारी इससे पहले कभी चौकी इंचार्ज तक नहीं बना था, लेकिन कहा जाता है कि अधिकारियों से साठ गांठ के दम पर विनय तिवारी को चौबेपुर का चार्ज मिला। काफी दिनों से विनय तिवारी यहीं बना हुआ था, मतलब साफ है कि वो अपनी ट्रांसफर भी अधिकारियों से बात कर रुकवाता था। कुछ लोगों का कहना है कि विकास दुबे का प्रभाव भी था, इसलिए विनय तिवारी यहाँ चौबेपुर थाने में बना हुआ था। विकास दुबे से विनय तिवारी की मोहब्बत इस बात से समझी जा सकती है कि जब शिकायतकर्ता राहुल तिवारी ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत की, तो एसओ विनय तिवारी विकास दुबे के घर पर समझौता कराने के लिए राहुल को लेकर पहुंच गया, जहां पर विकास ने विनय के सामने राहुल को बहुत मारा और जबरन समझौता करवा ली। चौबेपुर के निलंबित एसओ के खिलाफ शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने कानपुर के डीआईजी अनंत देव के पास एक रिपोर्ट भेजी थी। अनंत देव की तरफ से इस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। मंगलवार को अनंत देव को डीआईजी एसटीएफ के पद से हटा दिया गया। उन्हें मुरादाबाद में पीएससी सेक्टर में डीआईजी बनाया गया है। अनंत देव के एसएसपी रहते दिवंगत सीओ ने उन्हें विकास दुबे के खिलाफ भी कई रिपोर्ट भेजे थे। इन सभी की जाँच अब यूपी पुलिस कर रही है। विनय तिवारी और किन किन सीनियर अधिकारियों का करीबी था, इसकी भी जांच हो रही है। विकास दुबे का गांव विनय तिवारी के थाना क्षेत्र में आता था। बताया जा रहा है कि जब विकास दुबे को पकड़ने के लिए दबिश दी गई, तो बाकी थानों की फोर्स, एसओ और सीओ आगे बढ़ गए, मगर एसओ चौबेपुर विनय तिवारी जेसीबी के पीछे रहे, जबकि थाना क्षेत्र उनका था। इलाके में लगाए गए बीट कांस्टेबल उन्हें रिपोर्ट करते थे। गांव की भौगोलिक स्थिति के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी थी, इसके बाद भी वह आगे नहीं बढ़े। ये सारी बातें विनय तिवारी के खिलाफ गई, जिसके कारण उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया।